हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नंबर बाय टू डिजिट नंबर। ठीक है, कोई नंबर को टू डिजिट नंबर से किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम लोग सीखेंगे। जैसे 61 को हमको मल्टीप्लाई करना है 47 से, तो यहाँ पे दोनों ही नंबर टू डिजिट के दिए हुए हैं। सबसे पहले 61 एंड 47 को इस तरह से लिखेंगे। 47 का जो वन्स प्लेस है 7, तो पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे वन को, 7 1 7, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को। ठीक है, पहले 7 को करना है 1 से और फिर 7 से करना है 6 को, तो 6 7 जो क्या हो जाएगा 42। ठीक है, ये एरो आप लोग नहीं लगाएंगे, इसको मैं समझाने के लिए बताया था। तो ये 7 से मल्टीप्लाई हो गया है, 7 1 7, 7 6 42। अब यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे, अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4, 4 1 4 हो गया, अब 4 6 24। ठीक है, अब इनको ऐड करना है। 7 के नीचे क्रॉस है, क्रॉस अगर नहीं लिखना है तो 0 भी लिख सकते हैं, तो 7 के नीचे क्रॉस है तो 7 आ जाएगा यहाँ पे। 4 प्लस 2 6 होता है, 4 प्लस 4 8 एंड यहाँ पे 2 बचा, तो ये आंसर आ गया 2 8 6 7। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 1 का 38 मल्टीप्लाई 72। 38 मल्टीप्लाई 72, ठीक है, तो 38 को 72 से मल्टीप्लाई करना है, तो 38 × 72 इस तरह से लिखेंगे। पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, 8 2 16 होता है, तो 16 का 6 लिखेंगे, पूरा 16 नहीं लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पे। अब 3 2 6, 6 प्लस 1 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, जब 2 से दोनों का मल्टीप्लाई हो चुका है, अब यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56, 56 का 6 लिखेंगे, 5 कैरी होगा, तो कैरी को आप लोग याद रखेंगे या साइड में लिख के रखेंगे, यहाँ ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर में इससे भी कैरी आया था, यहाँ भी कैरी होगा, बार बार कैरी लिखते रहेंगे तो भी प्रॉब्लम आएगा। तो 7 3 7 8 56 हो गया, 5 कैरी आया है, 3 7 21, 21 में 5 को प्लस करेंगे तो आएगा 26। अब इनको ऐड करेंगे, 6 7 प्लस 6 हो जाएगा 13, 13 में 1 कैरी होगा, तो 6 प्लस 1 हो जाएगा 7 एंड यहाँ पर आ जाएगा 2। तो जो कैरी हम लोग करेंगे उसको बार बार यहाँ पर शो नहीं करेंगे। ठीक है, कैरी को आप लोग साइड में रख कर उसको ऐड कीजिएगा, यहाँ भी कैरी लिखेंगे, यहाँ भी कैरी लिखेंगे, तो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिखेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन, 78 × 66, 78 × 66, तो पहले 78 को ऊपर लिख देंगे, उसके नीचे लिखेंगे 66। अब ये 6 से ये 8 मल्टीप्लाई होगा, 6 8 48। ठीक है, टेबल याद रखना बहुत ज़रूरी है, 6 8 48 हुआ, 48 का 4 कैरी होगा, 4 को एक काम करता हूँ मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ। अब 6 से तो 8 मल्टीप्लाई हो चुका है, अब बचा 6 7 42, 42, और ये जो मैंने 4 लिखा था साइड में उसको भी ऐड करना पड़ेगा, तो 6 7 42 + 4 46, मतलब 6 से दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब ये वाला 6 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इससे जितना मल्टीप्लाई करने से आया है इससे भी मतलब मल्टीप्लाई करने से उतना ही नंबर आएगा, तो दोबारा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले नंबर को ही नीचे उतार देंगे। लेकिन उतारने के टाइम में ध्यान देना है, पहले नंबर के पास क्रॉस रहेगा, तो ऊपर 4 6 8 आया है, तो यहाँ भी 4 6 8 ही आएगा, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन लिखेंगे अलग प्लेस में, एक नंबर छोड़ के लिखना है। अब ऐड कर लेंगे इसको, 6 + 8 हो गया 14, 14 का 1 कैरी हो रहा है, 1 को मैं साइड में लिखा हूँ, 6 + 4 10, 10 + 1 11, 11 का फिर से 1 कैरी होगा, तो फिर से 1 लिख दिया, फिर 4 + 1 5,
इस तरह से इसका आंसर आ गया है 5148। ठीक है, वन का 1 2 3 मैंने अभी बताया, 4 5 6 आप लोग ट्राई करेंगे। मैं अब 7 नंबर बता रहा हूँ, 7 नंबर में मल्टीप्लाई करना है 418 को 37 से। तो ये जो पहला नंबर दिया है वो 3 डिजिट नंबर है और हमको 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो 418 इंटू 37, तो सबसे पहले 7 को मल्टीप्लाई करना है 8 से। 7 8 जा कितना होता है, 7 8 जा 56। तो 56 में मैंने 5 को नहीं लिखा, 6 को लिखा, 5 कैरी हो गया, कैरी को मैंने साइड में अभी लिख के रखा। अब 7 1 जा क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और ये 5 हमने कैरी किया था, तो 7 1 जा 7 और 5 को ऐड करेंगे तो आएगा 12। 12 का भी 12 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो फिर से 1 कैरी आया अभी। अब 7 से 4 को मल्टीप्लाई करना है, 7 4 जा 28, 28 प्लस 1 29। तो लास्ट नंबर पूरा लिखना है, तो ध्यान देना 7 8 या 56 हुआ, 56 का हमने क्या लिखा, 6 लिखा, 5 को हमने कैरी किया था यहाँ पे। फिर 7 1 या 7, 7 प्लस 5 12, 12 का 2 लिखा तो 1 कैरी किया था। फिर 7 4 या 28, 28 प्लस 1 29। इस तरह से 7 का पूरा मल्टीप्लिकेशन हो गया, नीचे में क्रॉस लगाएंगे। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 24, ठीक है, 3 8 जा 24 का 4 लिखेंगे, यहाँ पर 2 कैरी आएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 में 2 प्लस करेंगे तो आएगा 5। अब 3 4 जा 12 बचा, अब इनको ऐड करना है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 प्लस 2 6, 9 प्लस 5 14, 14 में 4 लिखेंगे, 1 को मैंने बाहर लिख दिया, 2 प्लस 2 4, 4 और 1 5 और यहाँ बचा 1, तो 15466 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट बताऊंगा, ये 4 डिजिट का नंबर है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट 6431, 6431 मल्टीप्लाई 28, सेम प्रोसेस है, बस पहला नंबर 4 डिजिट का है और यहाँ पे तो 2 डिजिट है ही, तो 6431 मल्टीप्लाई 28। एट वन जा 8, 8 3 जा 24, 24 में हमको 4 को लिखना है, 2 को साइड में लिख के रखा है अभी। 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 प्लस 2 34। अब 3 को लिखना है कैरी में, 6 8 जा 48, 48 प्लस 3 51। तो ये ऊपर का मल्टीप्लाई जो है 8 से कंप्लीट हो चुका है, इसको मिटा देंगे अभी। अब यहाँ क्रॉस लगाएंगे, अब 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 6 2 जा 12। ये पूरा मल्टीप्लाई हो गया, अब ऐड करेंगे, 8 6 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 4 10, 10 का 0 लिखेंगे, 1 कैरी, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, 10 का 0 यहाँ लिखेंगे, फिर से 1 कैरी हो रहा है, फिर 1 लिखेंगे, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, इसको मिटा देंगे, 1। कैरी को जैसे ही ऐड कर लेंगे फिर उस कैरी को हटा देना है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से इनको सॉल्व करना है, इसमें बाकी जो क्वेश्चन है उसको आप लोग ट्राई करेंगे।